दोस्तों तेलुगु सिनेमा को आज के समय में अगर किसी ने विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई है तो वो है बाहुबली के एक्टर प्रभास और बाहुबली के ही डायरेक्टर एसएस राजामौली ने, क्योंकि इन्हीं दोनों के मेहनत के वजह से ही बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म बन सकी जिसने की विश्व स्तर पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाहुबली की तरह ही बहुत सारे सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ने वाले एक्टर प्रभास के बारे में, जो कि तेलुगु फिल्मों की वजह से साउथ इंडिया में तो पहले से ही फेमस थे लेकिन बाहुबली के रिलीज होने के बाद से उनकी लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो चुकी है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और शुरुआती समय में उन्हें बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों लोगों में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए दोस्तों प्रभास के पूरे सफर को जानने के लिए हम उनकी लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 1989 से, जब वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपति का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ। उनके पिता का नाम उप्पलपति सूर्य नारायण राजू है, जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर है, और उनकी माँ का नाम शिवा कुमारी। इसके अलावा प्रभास के एक बड़े भाई प्रबोध और बड़ी बहन प्रगति भी है। साथ ही उनके अंकल कृष्णम राजू भी तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं और शायद अपने अंकल से ही प्रभास के अंदर एक्टिंग की दिलचस्पी पैदा हुई। प्रभास ने अपनी स्कूल की पढ़ाई DNR स्कूल से की और बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था, और इसीलिए आगे चलकर वह श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से BTech की डिग्री लेने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए ड्रामा स्कूल चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपने एक्टिंग के स्किल्स को और भी बेहतर किया और काफी कड़ी मेहनत के बाद वह एक एक्टर बनने के लिए अब रेडी हो चुके थे। और साल 2002 में प्रभास ने ईश्वर नाम की मूवी से टॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। हालांकि दुर्भाग्य से यह फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और इस मूवी की तरह ही प्रभास की कई सारी शुरुआती मूवीज जैसे राघवेंद्र, वर्षम, आदवी राममोडू और चक्रम फ्लॉप होती रही। हालांकि हार ना मानते हुए प्रभास अपनी एक्टिंग को और भी इम्प्रूव करते रहे, और फिर आखिरकार 2005 में उनके असल टैलेंट को पहचाना फेमस डायरेक्टर राजामौली ने, जिन्होंने प्रभास को अपनी फिल्म छत्रपति के लिए साइन कर लिया। और लोगों की उम्मीद के हिसाब से यह फिल्म बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, और इस मूवी में किए गए अपनी शानदार एक्टिंग से प्रभास बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नज़रों में आने शुरू हुए। और फिर इस मूवी के बाद से प्रभास पौर्णमी, योगी, मुन्ना, एक निरंजन, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रेबल और मिर्च जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आते रहे, और इनमें से ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रहीं। साथ ही मिर्ची मूवी के लिए प्रभास को नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। दोस्तों अब टॉलीवुड एक्टर के तौर पर प्रभास एक स्टार बन चुके थे, और जो भी लोग टॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं उनमें वे काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके थे। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी थी जो कि हिंदी डब्ड टॉलीवुड मूवीज देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन ऑडियंस में भी प्रभास ने अपनी पहचान बनाई राजामौली के सुपरहिट फिल्म बाहुबली से। बाहुबली के दोनों पार्ट यानी कि बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ने के लिए प्रभास ने 5 सालों तक जी तोड़ मेहनत की, और इस मूवी का रिजल्ट तो हम सबके सामने है। इस मूवी के बाद से प्रभास ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। और दोस्तों बाहुबली के आने के बाद से प्रभास इतने फेमस हो चुके थे कि लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में उनका वैक्स स्टैचू बनाया गया, और इस तरह से वे पहले तेलुगु एक्टर बने जिनका सम्मान मोम का मूर्ति बनाकर किया गया। और अगर प्रभास की अपकमिंग मूवी की बात करें तो वो है साहू, जो कि 300 करोड़ के बजट के साथ बन रही है, और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यह फिल्म भी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। तो दोस्तों यह थी कहानी टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की। उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।